बात करने वाले हैं यूके के बहुत ही इनफेमस ब्लड इन्फेक्टेड ब्लड स्कैंडल के बारे में अ लॉट ऑफ टाइम सेव हर्ड डोनेट ब्लड एंड सेव लाइफ ये ब्लड डोनेशन से बहुत सारी जाने बचती हैं इसमें कोई दौराए नहीं है लेकिन क्या हो जब यही डोनेटेड ब्लड इन्फेक्टेड हो तो इससे हज़ारों जाने जा भी सकती हैं जो कि यूके में हुआ यहाँ पर मैं बता दूँ जब ये पूरा का पूरा मामला सामने आया तो इसकी जांच बिठाई गई 2017 में जिसके बाद अब इसकी रिपोर्ट आई है और अब उस रिपोर्ट में पता लगा है कि इस पूरे के पूरे स्कैंडल को अवॉइड किया जा सकता था यानी हजारों लोगों की जानें बच सकती थी जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो इन्फेक्टेड नहीं होते अगर अथॉरिटीज लापरवाही नहीं करते इसमें इस संबंध में यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने माफी भी मांगी है एग्जैक्टली exactly क्या है ये स्कैंडल कैसे इसको अवॉइड किया जा सकता था इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे शुरुआत करते हैं विद द न्यूज़ दिस ब्रिटेन्स इन्फेक्टेड ब्लड स्कैंडल इसने तीन हजार लोगों की जान ली है और हजारों लोगों को सफर करने के लिए छोड़ दिया है विद हेपेटाइटिस एंड एच आई ये कोई एक्सीडेंट नहीं था गलती से नहीं हुआ ये अथॉरिटीज और सरकार के फेलियर्स हैं यहाँ पर इनकी कहीं ना कहीं लापरवाही है जिसकी वजह से इतना बड़ा ये हादसा हुआ ना इस इंक्वायरी को चेयर किया ब्रायन लैंगस्टाफ ने जो कि एक रिटायर्ड जस्टिस है उन्होंने कहा कि तीस हजार से ज्यादा लोगों को ये ब्लड इंफेक्टेड ब्लड जो था वो दिया गया था नॉट ओनली दी ब्लड बट ऑल्सो दी ब्लड प्रोडक्ट जो इन्फेक्टेड थे सेवेंटीज और एटीज में और ये कहाँ से दिया गया फ्रॉम ब्रिटेन स्टेट फंडेड नेशनल हेल्थ सर्विसेज एन एच एस के द्वारा ये दिया गया ठीक है जिसकी वजह से हजारों लोगों की लाइफ ड्रीम्स और फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो गई यहाँ पर कोर्ट अनकोट लैंग स्टाफ ने कहा दिस डिजास्टर वॉज नॉट एन एक्सीडेंट ये कोई हादसा नहीं था ये कोई एक्सीडेंट नहीं था यहाँ पर इंफेक्शन जो है दे हैपन्ड ये हुए? क्यों हुए क्योंकि अथॉरिटी थी Uh, जो भी लोग अथॉरिटी में थे लाइक द डॉक्टर्स द ब्लड सर्विसेज एंड सक्सेसिव गवर्नमेंट्स उन्होंने पेशेंट्स को प्रायोरिटाइज नहीं किया पेशेंट की सेफ्टी को फर्स्ट नहीं रखा सो so, ब्रिटेन में अराउंड 1250 लोगों को जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं लाइक हीमोफीलिया था वर इन्फेक्टेड विद एच इंक्लूडिंग 380 चिल्ड्रन इसमें 380 बच्चे भी थे जो शामिल थे इस ऐसा इंक्वायरी में पता लगा यहाँ पर उन्होंने कहा कि अब एक प्रॉपर कॉम्पनसेशन लोगों को दिया जाना चाहिए सरकार के द्वारा ना ही जो कंटेमिनेटेड ब्लड स्कैंडल था या जो इन्फेक्टेड ब्लड स्कैंडल है ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है वन ऑफ द डेडलीस्ट ट्रीटमेंट डिजास्टर्स इन हिस्ट्री ऑफ एन जिसके बाद ऋषि सुनक ने ऑफिशियल अपोलॉजी भी इशू कर दी है माफ़ी भी मांग ली गई है क्या था ये स्कैंडल क्या हुआ सरकार ने क्या उस समय क्या किया जब ये 1970s, 80s में इस तरह की चीज हुई इसके बारे में भी जानकारी लेंगे बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड ये मेरा छोटा सा इंप्रक्शन है दोस्तों दिस इज माई टेलीग्राम चैनल जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल क्लास अपडेट शेड्यूल्स इन पीडीएफ अन अकेडमी लर्नर्स की रिजल्ट की मैं बात करूं तो इस बार फिर से अन अकेडमी लर्नर्स शाइन इन यूपीएससी सीएससी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जहां पर 315 से ज्यादा लर्नर्स थे क्वालिफाई किया जो किसी ना किसी रूप में अन अकेडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे विद हेल्प ऑफ विद्पन अकडमी एडवांटेज जहां पर आपको डेडिकेटेड एस राइटिंग क्लासेस मिलती है कॉम्प्रेंसिव कवरेज मिलता है आपको जीएस का करंट अफेयर्स आपके सॉर्टेड है रेगुलर इंटरेक्शन आपके एजुकेटर्स के साथ होता है वन ऑन मेंटोरशिप डाउट सॉल्विंग भी आपको यहाँ मिलती है विद टेस्ट सीरीज सो टू गेट दी एडवांटेज यू हैव टू एनरोल विद इन ऑफलाइन सेंटर जिसके लिए आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर्स विजिट करने होंगे दिल्ली और दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोलबाग में है वहीं यूपी में सेंटर हमारा प्रयागराज में है यूपी वाले सेंटर में ना केवल आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बल्कि यूपी पीसीएस की तैयारी भी आप कर सकते हैं इंडिया एट ग्रेट डिस्काउंट्स कोई भी और जानकारी के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं विद नंबर्स एड्रेसेस एवरीथिंग यू कैन गो चेक दम आउट इन नंबर्स पर भी आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं सो दिस इंक्वायरी वॉज लॉन्च सिक्स ईयर अगो इन ट्वेंटी जब थेरेसा मे वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यू के ठीक है इस इंक्वायरी में बेसिकली चेक ये करना था कि कैसे हजारों लोगों को ये डेडली डिजीजेस हुए हैं फ्रॉम द ट्रांसफ्यूशन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स इन सेवेंटीज एंड एटीन्स इसमें दो हजार उन्नीस तक यू नो तीन हजार लोग कॉम्प्लीकेशन के चलते हैं डिजीज के दे हैव लाइव्स इन अक्टूबर ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने एक पेमेंट किया ऑफ

कंटैमिनेटेड ब्लड था इट वॉज ऑल्सो गिवन टू पीपल हु नीडेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन आफ्टर चाइल्ड बर्थ और सर्जरी ना केवल हीमोफीलिया डिसऑर्डर वाले जो डिजी यू नो पेशेंट्स थे उनको दिया गया है ब्लड बल्कि इट वॉज ऑल्सो गिवन टू पीपल हु नीडेड ट्रांसफ्यूजन्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ और सर्जरी कोई सर्जरी के लिए भी जा रहा है तो उसको भी ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया जिसमें नियरली टू थर्ड ऑफ दोज हुईड बाई एच आई वी लेटर डाइड ऑफ एड्स रिलेटेड इलनेस एंड एंड अनोन नंबर ट्रांसफर्ड एच आई वी टू देयर पार्टनर्स ऑल्सो ना केवल इनको एच आई भी हुआ और इसमें से दो तो तिहाई लोगों की मृत्यु भी हुई एड जैसी यू uh, नो you know, से रिलेटेड इलनेसेस से बल्कि एक नंबर बहुत बड़ा नंबर अभी नहीं पता है वो हैव यू नो ट्रांसफर्ड एच आई वी टू देर पार्टनर्स ऑल्सो जो इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स थे दे उनमें से बहुत सारे जो थे वो इम्पोर्ट किए गए थे यूएस से एंड दे वर यूज फॉर ट्रांसफ्यूजन विच वर नॉट ऑलवेज क्लिनिकली नीडेड एंड एज ट्रीटमेंट फॉर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स लाइक हीमोफीलिया मतलब कुछ U.S. से भी आया था ब्लड इसमें यहाँ पर जो हीमोफीलियाक्स थे मतलब इनको हीमोफीलिया होता है दे रिसीव फैक्टर एट कॉन्सेंट्रेट एक तरह का स्पेसिफिक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेट होता है तो फैक्टर एट कॉन्सेंट्रेट उनको मिला जो कि इंपोर्ट किया गया था यूएस या ऑस्ट्रिया से विच कैरिड अयर रिस्क ऑफ कॉजिंग हेपेटाइटिस ठीक है इससे हेपेटाइटिस होने के बहुत चांसेस थे कुछ कॉन्सेंट्रेट्स को जो थे वो इन्फेक्टेड थे एच से भी इन नाइनटीन बट अथॉरिटीज़ फेल्ड टू स्विच टू सेफर ऑल्टरनेटिव उन्होंने ऑल्टरनेटिव देखे ही नहीं उन्होंने मतलब दे डेंट गो फॉर दी सेफर ऑल्टरनेटिव और डिसाइड ये बाद में डिसाइड किया गया नाइनटीन एटी थ्री अ ईयर आफ्टर द रिस्क व पैरेंट मतलब जब पता लग गया कि ये भैया रिस्क होते हैं नॉट टू सस्पेंड देयर इंपोर्टेशन उसके बाद भी उनका इम्पोर्टेशन सस्पेंड नहीं किया पेशेंट्स को एक्सपोज किया गया रिस्क से डिस्पाइट ये जानते हुए कि जो ब्लड है ये सिवियर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है इन्फेक्टेड ब्लड है तो इन्फेक्शन कॉज करेगा इस पूरे स्कैंडल को लेकर सरकार ने कैसे रिएक्ट किया जब इसके बारे में पता लग गया तो मैं आपको बता दूं कि ओनली आफ्टर 1985 जो फैक्टर एट प्रोडक्ट्स थे ब्लड के उनको ट्रीट ही ट्रीट किया जाने लगा टो तो किल एच वायरस उससे पहले कुछ नहीं किया गया इसके अलावा कुछ ऐसे एविडेंस भी हैं जो इंक्वायरी को प्रोवाइड किए गए जिसपे पता लगता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पूरी तरह से उसे अनदेखा कर दिया दे टर्न अ ब्लाइंड आई टू दिस एंटायर सिचुएशन क्यों बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंसिडरेशन भाई अगर एन से ब्लड आ रहा है और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहे हैं तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कॉम्पनसेशन तो इससे बचने के लिए सिचुएशन को पूरी तरह से इग्नोर किया गया बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग दैट टाइम ना एन के बारे में जान लेते हैं तो एन एक इंक्लूसिव पब्लिक हेल्थ सर्विस है विच कम्स अंडर द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इट वॉज इस्टेब्लिश बाई नेशनल हेल्थ सर्विस एक्ट ऑफ नाइनटीन फोर्टी सिक्स और उसके बाद इसमें लेजिलेशन जो आया नाइनटीन फोर्टी एट में आया एक और लेजिस्लेशन आया जो एंटायर पॉपुलेशन है यू की वो इसके अंडर कवर्ड है और जो भी हेल्थ सर्विस हैं वो प्रोवाइड की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट टू दब्लिक एक्सेप्ट फॉर सर्टन मिनिमम चार्जेस सरकारी व्यवस्था है ये मान लीजिए आप एन एच एस कॉन्स्टिट्यूट फोर सर्विसेज चार सर्विसेज हैं इसकी एन एच एस इन इंग्लैंड देन स्कॉटलैंड वेल्स एंड हेल्थ एंड सोशल केयर इन नदन आयरलैंड ये दुनिया की पाँचवें सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है एंड इट इज द लार्जेस्ट नॉन मिलिट्री पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हील सिग्निफिकेंट मार्केट पावर बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना इसके अलावा एनएचएस की मैं बात करूँ तो एन एच एस इज ऑल्सो कंसिडर टू हैव बीन इफेक्टिव एंड एफिशियंट हेल्थ सर्विस कुछ इशू जरूर हुए हैं लेकिन उसके बावजूद भी इसको इफेक्टिव एफिशियंट हेल्थ सर्विस माना जाता है जो मेडिकल सर्विसेज है अंडर एनएचएस दे आर एडमिनिस्टर्ड इन थ्री सेपरेट ग्रुप्स तीन तरह के ग्रुप्स इसके बनाए गए हैं नंबर वन इज जनरल प्रैक्टिशनर एंड डेंटल सर्विसेज हॉस्पिटल एंड स्पेशलिस्ट सर्विसेज एंड लोकल हेल्थ अथॉरिटी सर्विसेज ठीक है services, services, इन तीन तरह की सेपरेट ग्रुप्स बना के इनकी सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है एनएचएस की तो दैट वॉज ऑल अबाउट द कंटेमिनेटेड ब्लड स्कैंडल एंड एन एच एस जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल रहा अथॉरिटीज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा जो कि इस इंक्वायरी में पता भी लगा आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड आई होप यू लाइक द सेशन डू नॉट फरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑलो इट द बेलाइकेंसट नोटिफिकेशन अबाउट लेटेस्ट अपडेट्स थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस टेक केयर बाय बाय